हेलो हेलो हेलो, क्या ये तुम इस तरह पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? क्या काम है? आपके साहब से मिलना है। बॉस इज वेरी बिजी, प्लीज आप लोग जा सकते हैं। कहो कि उनकी मिसेज आई है। मिसेज? होने वाली मिसेज? होने वाली? और तुम कौन? मैं उनका साला हूँ। होने वाला साला? अच्छा साला। कलर करेक्शन होगा तभी भाई बहन लगोगे। वो जैसा भी है तुम्हें उसे क्या करना है? ये होने वाली पत्नी तो मैं साला हुआ कि नहीं? प्लीज गो। अच्छी बात है, बुलाता हूँ। हाँ कहे तो अभी बुलाता हूँ। प्लीज स्टे हियर। नाम बाहुबली है, एकदम मामूली। क्या कहा? मामूली? नहीं नहीं आपको नहीं। एक्सक्यूज मी सर, आपको ढूंढते हुए आपके मिसेज मिलने आई है। मिसेज आई है? ऐसा वो कह रही है सर। साथ में आपका साला भी आया है सर। एक ब्लैक है एक व्हाइट, दोनों भाई बहन नहीं लगते सर। उन्हें अंदर भेजो। आपको हमारे सर बुला रहे हैं। थैंक यू। आपको भी साहब बुला रहे हैं। ये क्या है? डंडा? ये डंडा नहीं, हथौड़ा है। समझ गया। ठीक है जाओ अंदर। कहाँ कहाँ से चले इस केस के जो भी प्राइम विटनेस? गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम है चिकू और इनका नाम प्रिया। किस काम से आया? वो तो आपको हम ये आपको प्रपोज करने आई है। क्या? पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है, कहती है आपसे प्यार हो गया है। कब से हुआ है? सुबह जब आप घोड़े के साथ दौड़ रहे थे तब आपको देखकर इसके दिल के अंदर से आवाज आई गणेश गणेश, और तब से गा रही है गणपति बाप्पा मोरिया। अब तुम कुछ बोलो ना, सब मैं बोलूंगा क्या? आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता, बस प्यार हो गया और मैं तुम्हारी दीवानी हो गई। अब तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा। मैं प्यार क्यों करूं? आईपीएस ऑफिसर्स या इंजीनियर्स प्यार नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है क्या? है। ऐसा नहीं है तो तुम्हारे इनकार करने की वजह क्या है? मुझ में कोई कमी है क्या? बाल, आंखें, होंठ लाजवाब हैं। दिखने में परफेक्ट हूँ और हाइट भी परफेक्ट है। हम साथ खड़े होंगे तो मेड फॉर ईच अदर लगेंगे। यस सर। कुछ मैच नहीं हो रहा है, कुछ मैच नहीं हो रहा है। हाइट मैच होना काफी है क्या? हार्ट मैच होना जरूरी नहीं है? मुझे वही लड़की पसंद है जो साड़ी पहनती हो, माथे पे बिंदिया हो और हाथों में खनखनाती चूड़ियां हो। इन सब से बढ़कर वो लड़की लड़की के ही हद में रहे। तुम्हारे जैसे नमूने मुझे पसंद नहीं आते। चलो निकलो यहाँ से। मतलब? मतलब मुझे लव शो में इंटरेस्ट नहीं है, जाओ अपने टाइप का लड़का ढूंढो। मैंने भी इसे यही समझाया सर, वाइन के ग्लास में कभी बियर डालकर नहीं पिया जाता। सही एग्जांपल दिया ना सर। नहीं नहीं गलत था, गलत था। ए चलना, चल अभी तेरे चक्कर में मेरी जो हड्डियां हैं वो भी चली जाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें चाहने लगी हूं और आई लव यू तो कह चुकी हूं। तुम्हारे पास प्यार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक मारूंगा। ए चिकू, क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूं? और हाइट भी एकदम परफेक्ट मैच होती है। ऐसा चांद का टुकड़ा उसे कहां मिलेगा? वो एक अच्छा चांस मिस कर रहा है। उस आईपीएस के साथ मेरी जोड़ी एकदम सही है ना? पहली बात तो ये है कि वो एक किसान का बेटा है। इन कपड़ों में किसी लड़की को पहली बार देखा होगा, इसीलिए तो संस्कार संस्कृति वगैरह वगैरह की बोरिंग बातें कर रहा था। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? तुम साड़ी पहन कर जाओ, कन्फर्म पट जाएगा वो साड़ी। हाँ? उसका सिर पैर भी नहीं जानती और तुम कह रहे हो कि पहन लो? ये एक दिमाग का खेल होता है, इट्स सो इजी यार। ऐसा क्या? यहाँ पर आने से पहले मैं भी एक साड़ी के बहुत बड़े शोरूम में काम करता था। वहाँ जितनी भी गुड़ियाँ थी उनको साड़ियाँ मैं ही पहनाता था, वो भी अपने हाथों से। मेन डोर के मैनिक्विन को बिल्कुल अपने गर्लफ्रेंड की तरह मैं हर रोज सजाता था, वो भी अपने हाथों से, वरना मेरा खाना ही हजम नहीं होता था। प्लीज हेल्प यार। कम यार। अंकल स्टॉप, अंकल प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप अंकल, अंकल प्लीज स्टॉप, प्लीज अंकल, अंकल। क्या हुआ बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रही हो? तो फिर अंकल देखिए इन्हें क्या हुआ। अरे बाप रे। सर सर सर, क्या हुआ सर? सर सर, आपको कुछ नहीं होगा, तुम हॉस्पिटल पहुंच गए। माइनर हार्ट अटैक हुआ है, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी। तुम्हारे ड्राइवर अंकल को कुछ नहीं हुआ है, आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे। चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बात नहीं अंकल, जब बाकी दिनों में मैं लेट हो जाती हूँ और पापा मम्मी के पास भी टाइम नहीं होता, तब यही ड्राइवर अंकल मेरा इंतजार करते हैं। तो क्या आज मैं आधे घंटे के लिए इनका इंतजार नहीं कर सकती? मुझे ड्राइवर अंकल के ठीक होने का इंतजार करने दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। Oh.
कुछ नहीं होगा अंकल, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप रोइए मत। आज मैं यहाँ जिस विषय के बारे में बात करने आया हूँ वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालते हैं ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, आने जाने में तकलीफ ना हो, इसलिए वो वैन का इंतजाम करते हैं। लेकिन स्कूल के ट्रस्टीज पैसे कमाने के लालच में स्कूल वैन में सही ड्राइवर्स नहीं रखते। 50 की कैपेसिटी वाली वैन में 100 बच्चों को ठूसते हैं, इसीलिए दुर्घटना होती है। और ऐसी एक दुर्घटना हाल ही में मेरे इलाके में हुई है। मैं स्कूल के ट्रस्टीज को या गाड़ियों के मालिकों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, जितने भी स्कूल वैन है उनमें स्पेयर ड्राइवर का होना जरूरी है। हर 15 दिनों में एक बार हेल्थ चेकअप और आई चेकअप होना चाहिए, और हर एक ड्राइवर को हेल्थ इंश्योरेंस भी दिलाना चाहिए। स्कूल चाहे कौन सी भी हो, इन रूल्स का आज से सभी को पालन करना ही होगा। अचानक इतने सारे रूल्स का कारण क्या है सर? कल स्कूल के बच्चों को परेशानी हुई, ड्राइवर के साथ हादसा हुआ। ये रूल पास करने के पीछे वजह? जनता की सेवा के लिए ये वर्दी पहनी है, किसी वजह की जरूरत नहीं। आपको भरोसा है कि ये रूल लोग फॉलो करेंगे? इस रूल को हर किसी को फॉलो करना ही होगा, नहीं किया तो विदिन 24 आवर्स उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। तू अपने आप को समझता क्या है? स्कूल वैन के ड्राइवर के साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर होना चाहिए, ये रूल बनाने वाला तू कौन है? हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए जनता की सेवा और रक्षा के लिए मैं उनका परमानेंट पीए हूं। अपना ये पोस्ट परमानेंट रखना चाहता है तो अपने एरिया के अंदर में ही अपना काम देख। पूरे कर्नाटक में 120 स्कूल है, हर एक स्कूल में 20-20 गाड़ियों के हिसाब से पकड़ो तो 120 स्कूल में 2400 गाड़ियां होती हैं। इसका मतलब 2400 एक्स्ट्रा ड्राइवर। हर किसी को महीने का 15,000 तनख्वाह दें तो हर महीने 3,60,00,000 और साल का 43,20,00,000 रुपयों का लॉस होगा। तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो अपने माँ बाप को जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब मैं अपना हिसाब बताता हूँ। 120 स्कूल मतलब 2,400 गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी में 30 बच्चे मतलब कुल 72,000 बच्चे, हर बच्चे से हर महीना 10,000 लिया जाता है मतलब 30 बच्चों का होता है 3,00,000, 25,000 का लोन पकड़ो, 50,000 का डीजल पकड़ो, 25,000 ड्राइवर का पगार पकड़ो, 1,00,000 माइनस होने के बाद भी 2,00,000 बचते हैं। और मैं तो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ 15,000 रुपये खर्चा करने को। अगर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारा लाइसेंस कंटिन्यू होगा, वरना ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दूंगा। करोड़ों रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, रिकवरी के बारे में सोचना तो पड़ेगा। खाकी पहनी है मैंने, मैं सिर्फ जनता के बारे में ही सोचता हूँ। ओहो, मतलब तुम अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं क्या हूँ जानने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू क्या है जानने के लिए टाइम कहाँ से निकालूं? उसका भी एक टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तब सोच लूंगा। कंधे पर स्टार है इसलिए बहुत फड़फड़ा रहे हो। जनता का दिया हुआ स्टार तो मेरे माथे पर है, ये तो बस उसका रिफ्लेक्शन है। देखता हूँ ये रिफ्लेक्शन कब तक कायम रहेगा। रिफ्लेक्शन रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार हमेशा रहेगा चाहे कितना भी फड़फड़ा ले तू। ठीक है, सर से एड़ी तक जोर लगा ले, लेकिन तू चाहेगा ये काले कत्तों से वादा है।